नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा जो आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दर्शकों, सर्दी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों के मामले और मौसम की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मौसम में हार्ट अटैक के पेशेंट खासकर देखे जाते हैं। उनमें काफ़ी परेशानी होती है हार्ट अटैक की, तो आज हम इन सभी पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे शो में। धन्यवाद अर्पित। तो डॉक्टर, तो अगर आप भी कोई भी जवाब जानना चाहते हैं डॉक्टर अजीत बाना से, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो हार्ट अटैक होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, हार्ट अटैक क्या चीज़ है? हार्ट अटैक क्या ये है कि हमारे हार्ट की नसों में किसी भी तरह की रुकावट हो जाए और मांसपेशियों को खून जाना बंद हो जाए, तो मांसपेशी का वो हिस्सा जहाँ पे खून जाना बंद हो गया वो सडनली एकदम से मर जाता है या डेड हो जाता है, तो उस पोर्शन को कहते हैं कि वहाँ पे हार्ट अटैक हो गया। तो यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जो हृदय की धमनियों में रुकावट पैदा करती है, जैसे कि वो कोलेस्ट्रॉल का जमना हो सकता है, वो थक्के का जमना हो सकता है और वो वसा के पदार्थों का जमना हो सकता है, जो कि उन धमनियों को रोकता चला जाता है जिससे कि खून का प्रभाव कम होने लगता है और आगे चल के वो हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना है या फिर हो सकता है उसका? देखिए, हार्ट अटैक तो एक ऐसी टर्म है कि इससे पहले पता लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसको चलते फिरते टाइम उसके छाती में बाईं तरफ कोई जकड़न होती है जो उसके बाएं हाथ पे जाती है और कई बार वो उसके दांतों पे या गर्दन तक चली जाती है ऐसे ऊपर को, तो हमें समझना चाहिए कि शायद हमारे हार्ट की नसों में रुकावट हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार हार्ट अटैक या हार्ट की संबंधित परेशानियां जो हैं सिर्फ बाईं तरफ की छाती के दर्द से निर्धारित नहीं करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट का अटैक जो है या हार्ट की परेशानी जो है वो हमें गैस की तरह या पेट में सामने की तरफ भारीपन की तरह प्रदर्शित होती है, जो कि चलने फिरने में बढ़ जाती है। कई बार हार्ट की परेशानी जब बढ़ती होती है तो पसीना आ जैसा महसूस होता है, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी हो सकती है और कभी कभी व्यक्ति को बहुत तेज घबराहट भी होने लगती है। ये सब हार्ट अटैक या हार्ट की परेशानी आने के पहले सूचक है। जी, तो दोस्तों, अगर आपको भी हार्ट अटैक के जो लक्षण बताए हैं डॉक्टर साहब ने, वो आपको भी लगते हैं आपके आसपास किसी में या फिर आप में खुद में, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं डॉक्टर अजीत बाना से, जो कि अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हार्ट अटैक की परेशानियाँ होती है इनका प्रिवेंशन किस तरह किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन का सबसे बड़ा तोड़ जो है वो हमारे खाने में है। जी, तो पहली चीज़ तो है कि खाने को हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा ध्यान से इसमें बदलाव करने हैं। जी, क्योंकि हम एशियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया जो है वो सबसे ऊपर है हार्ट की बीमारियों को बढ़ने में, और मानना यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान हार्ट की बीमारियों का कैपिटल बन जाएगा। जी, ये इसलिए है कि हमने अपने पुराने जो खान पान की प्रतिक्रिया थी, जो एक्सरसाइज करने की प्रक्रिया थी, वो सब बंद कर दी है। अब हमारे खाने में जो नॉर्मली बिल्कुल हरी सब्जियां होती थी, पत्तेदार सब्जियां होती थी, फ्रूट्स होते थे, वो सब खत्म होता जा रहा है और बहुत सारी मतलब वसाएं बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत सारा फास्ट फूड बढ़ता चला जा रहा है। जी, तो अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है तो सबसे पहले हमें अपने खाने पे ध्यान देना होगा। जी, हमारे खाने में खूब सारा प्रोटीन होना चाहिए, यानी कि खूब सारी दालें खा सकते हैं। जी, अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मटन का सेवन कम करें, चिकन फिश अंडे का सेवन ज़्यादा करें। जी, और हरी पत्तियों के साथ दालें खाएं। जी, हरे पत्तियां हमें विटामिन का सोर्स देती हैं। खूब सारे फ्रूट खाएं, कोशिश ये करें कि रोटी, आलू, चावल ये कम मात्रा में खाए जाएं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट हैं, इनसे शरीर के अंदर जो है चर्बी का बढ़ाव बढ़ता है। और ऐसे ही घी की मात्रा का लिमिटेड प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सामान में अगर हम घी डालते हैं तो वो स्वादिष्ट हो जाता है, तो हम उसको ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा घी खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जमा होगा और वो हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो ये थे मेन खाने में बदलाव। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, रेगुलर व्यायाम। पहले लोग क्या करते थे कि अगर वो अपने किसी भी
डिस्टेंस पे काम करने जाता था तो पैदल चल के जाता था। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन आजकल हम अगर 200 मीटर भी जाना चाहते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल या कार का सेवन बिल्कुल उसका इस्तेमाल करते हैं जी। तो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज जो है एक यंग पॉपुलेशन में या आजकल के समाज में कम होती चली जा रही है और बहुत तेजी से घट रही है। तो मेरा मानना है कि 40 मिनट का व्यायाम जी वो एक ब्रिस्क वॉक की तरह हो, जो बहुत तेज चलने से हो, जिसमें कई बार पसीना भी निकल आए जी, और उसके साथ अगर हम योगा को जोड़ते हैं तो ये और बहुत अच्छी प्रक्रिया रहेगी जी। तो दूसरा ये हो गया, पहला खाना हो गया, दूसरा एक्सरसाइज हो गया और तीसरा हो गया स्ट्रेस जी। स्ट्रेस जो है हार्ट की बीमारियों को बहुत बढ़ाता है जी। तो हम आजकल एक रेट रेस में हैं कि इसके पास कार तो मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास ये तो मेरे पास ये क्यों नहीं। जो भगवान को देना है वो आपको समय से दे देगा। बहुत ज्यादा कुछ तो स्ट्रेस ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं बच सकते जिनसे जी। लेकिन जो स्ट्रेस जिनसे हम बच सकते हैं उनसे बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उन स्ट्रेस से अपने शरीर को खराब ना करें जी। और स्पेशली अगर किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी यंग एज पे हुई है जी, तो उन व्यक्तियों को समय दर समय डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए जी, अपना चेकअप कोलेस्ट्रॉल का इन सब चीज़ों का कराते रहना चाहिए जी, जिससे उनको बीमारी से पहले ही पता लग जाए कि मैं किस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपना नियमित रूप से जांच करा के और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को बड़े कंट्रोल में रखना चाहिए जी। तो अगर हम ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे तो हम हार्ट की बीमारियों से काफ़ी दूर चले जाएंगे जी। डॉक्टर साहब, आपने बीपी और शुगर के मरीजों की बात की, तो आपने बीपी चेक कराने के लिए, शुगर चेक कराने के लिए तो बता दिया मरीजों को, लेकिन डॉक्टर साहब उनके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशंस वो रख सकते हैं? बिकॉज शुगर का जो मरीज होता है बहुत क्रिटिकल मरीज होता है, वो उन्हें और ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, तो और कौन कौन से प्रिकॉशंस हो सकती है वो जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, शुगर का मरीज यानी कि डायबिटीज़ का मरीज, सबसे ख़राब बात क्या है कि डायबिटीज़ के मरीज, और जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं जी बड़े ध्यान से इस बात को सुने कि डायबिटीज़ के मरीज में हार्ट अटैक के लक्षण यूजुअली प्रदर्शित नहीं होते। उनको छाती में दर्द नहीं होता, उनको भारीपन नहीं होता, उनको कई बार बड़े अजीब अजीब से सिम्टम होते हैं जो कि उनको पता ही नहीं लगते और उनको साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक बार के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा, अभी के लिए जयपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है, नीता जी हैं। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी जो नानी है उनकी एज 60 है और उनको डायबिटीज है, तो क्या डायबिटीज की वजह से हार्ट की बीमारी कुछ हो सकती है? जी बिल्कुल, डायबिटीज दूसरे नंबर पे आता है हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने में। पहले नंबर पे आती है पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री और दूसरे नंबर पे आती है डायबिटीज। तो अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायबिटीज है तो वो अपने डायबिटीज के डॉक्टर के पास जाएं और हर साल एक बार हार्ट के रेगुलर चेकअप कराएं, जो कि बहुत महंगे नहीं है और बहुत आराम से किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में संभव है। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें लक्षणों की, तो उस पर जानना चाहूंगा। तो इनको डायबिटीज के मरीजों को साइलेंट अटैक होते हैं जी। तो ऐसे मरीजों को जिनको डायबिटीज है और जिनके स्पेशली परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी रह चुकी है, उनको हर साल अपने हार्ट के चेकअप कराने चाहिए, जिनमें कि TMT, ECO, ECG, कोलेस्ट्रॉल की जांच, सब जांचें होती हैं। उनसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं, गारंटी तो नहीं दे सकते बट आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर व्यक्ति को हार्ट की बीमारी आगे चल के होने की संभावना है या नहीं है। और अगर वो बीमारी आ रही है तो वो शरीर को कोई नुकसान करे इससे पहले ही उसका पता लग जाता है और उसका सही उपचार संभव है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को बहुत ही प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और अपनी शुगर को कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए। लोग बाग ज़्यादातर मैंने देखा है कि डायबिटीज़ के मरीज सिर्फ ब्लड शुगर नापते रहते हैं जी। ब्लड शुगर अकेले नापने से काम नहीं चलेगा, हमको एक ऐसी जांच होती है जिसका नाम है HbA1c जी, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जी। ये जांच हर 3 महीने में करानी चाहिए जी, और इस जांच को प्रक्रिया ये रखनी चाहिए कि ये 7 के आसपास रहे जी। अगर हमारा HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन डायबिटीज़ के मरीज का 7 रहता है तो समझ लीजिए उसको डायबिटीज़ अक्सर कोई आघात अपने शरीर में नहीं पहुँचा पाएगा जी। तो ये है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जी। और अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है जी, तो स्पेशली इस मौसम में बताऊंगा कि विंटर्स में क्या होता है कि सर्दी होने से हमारे हाथ पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं जी, और जो नसें सिकुड़ जाती हैं तो खून का प्रेशर बढ़ने लगता है जी। उस खून के प्रेशर को बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है जी, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका हार्ट पर लोड आता है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है जी और उसको ऐसा लगता है कि विंटर्स में, सर्दियों में मेरे को सिर दर्द बढ़ गया है जी, या मेरे को आजकल चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर की जांच एकदम से डॉक्टर से करानी चाहिए और ये देखना चाहिए, हो सकता है उसको विंटर में थोड़ी सी अपनी दवाई ब्लड प्रेशर की बढ़ानी भी पड़ सकती है जी। तो डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुक्ता जी हैं उदयपुर से। मुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार
नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्कार. मेरे जो अंकल हैं वो हार्ट पेशेंट है, उनकी एज 70+ है और उन्हें बीपी की प्रॉब्लम भी है. तो जो सर्दी का मौसम है उसमें खान पान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? देखिए बड़ी सिंपल बात है, हमारे घर में अगर कोई भी बुजुर्ग है और उसको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो आप उनको ये सजेस्ट करें कि आप 5 बजे 6 बजे उठ के सर्दी में घूमने बाहर नहीं जाएं. कोशिश ये करें कि घर से बाहर जब निकलें, जब धूप निकली हो, अच्छा बाहर गर्म मौसम हो, जिससे कि उनके शरीर की नसें सिकुड़े नहीं और उनका सडन ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े. दूसरा, रात को भी यही चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने शरीर को ठंड से एक्सपोज ना होने दें. तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत से हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो सारी ज़िंदगी ठंडे पानी से नहाया जी, लेकिन ये स्पेशली ब्लड प्रेशर का मरीज और हार्ट का मरीज सर्दियों में ठंडे पानी से ना नहाए, उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है ठंडे पानी से नहाने से, तो ठंडे पानी से बचें. तीसरा, सडन चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अभी एकदम से सर्दी में बैठे थे और एकदम से जो है हीटर के सामने चले गए, हीटर में बैठे थे बड़े कोजी एटमॉस्फेयर में बैठे थे, रजाई के अंदर बैठे थे, सडनली ठंडी हवा में चले गए, तो ये भी नहीं करना चाहिए. और अपने खाने पे भी ध्यान देना चाहिए, सर्दियों में भूख थोड़ी ज्यादा लगती है. बिल्कुल डॉक्टर साहब. और बुजुर्ग बार कई बार ये ध्यान नहीं दे पाते कि वो कितना खा रहे हैं जी, तो एक बार में ज्यादा ना खा के कई बार थोड़ा थोड़ा खाना उचित होगा हार्ट के मरीजों को जो ब्लड प्रेशर है और जिनकी उम्र भी 70 से ज्यादा है जी. तो मुक्ते जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से मिल गया होगा. डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों की, तो बीपी का भी उनसे कुछ संबंध होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, और या फिर नॉर्मल बीपी क्या माना जाना चाहिए लोगों का, 90-140 और या फिर 80-120? देखिए पुराने कुछ साल पहले तक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मानना ये था कि हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, हमेशा नॉर्मल इतना ही रहना चाहिए चाहे उम्र कुछ भी हो जी. लेकिन अब जो नॉर्म्स आए हैं उनसे ये पता लगा है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 50 से ज्यादा है जी, और उसका ब्लड प्रेशर अगर 140-90 के आसपास भी चलता है तो वो उसके शरीर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता जी. लेकिन अगर 90 के ब्लड प्रेशर में किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है, तकलीफ कैसी, सिर में भारीपन होता है, चक्कर आते हैं, कोई घबराहट होती है, तो उस स्थिति में वो 90 का ब्लड प्रेशर भी उस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है और उसको उसका कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा. तो अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से गजेंद्र जी हैं. गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, आपने सवाल पूछे डॉक्टर साहब से. नमस्कार डॉक्टर साहब. सर जब मैं रात को सो के करीब भी सुबह उठता हूँ तो एकदम से चक्कर आते हैं और ऐसे बाई साइड में आइस के ऊपर है वो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हो, और बीपी चेकअप करवाया तो नॉर्मल आता है, मेरी एज है 35. अच्छा, आपको जब सुबह उठते हैं तभी चक्कर आते हैं रोज? नहीं, कभी कभी जैसे सोते हैं तो सोते टाइम भी ऐसे लगता है कि 10-15 दिन से ऐसा लग रहा है, इससे पहले नहीं था. आपको ENT एग्जामिनेशन, नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं आप जी. जहां तक मैं समझता हूं कि ठंड की वजह से आपकी जो एक यूस्टेकिन ट्यूब होती है, एक कान को और गले को जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है, वो ब्लॉक हो जाती है. तो जैसी तकलीफ आपको हो रही है करीब करीब ऐसी तकलीफ होने लगती है, इसका हार्ट से कोई भी संबंध नहीं है. तो ये जो चक्कर आ रहे हैं पहले आप नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं, और उसके बाद भी अगर ये आपको लगातार बने रहते हैं और आपकी छाती का दर्द चलने फिरने से बढ़ जाता है तो फिर हार्ट का चेकअप कराएं, अभी आपको हार्ट के चेकअप की आवश्यकता नहीं है. डॉक्टर साहब आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन दोस्तों अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में.